वेल आई एम जॉइन बाई आर सी पी सिंह फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड वंस अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार बट बोथ आर एट लॉगर हैड्स एंड इट सीम्स दैट देर इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आर सी पी सिंह जी कटुता इतनी बढ़ गई है आप लोगों में आज आपने आज आप पहली बार यात्रा पर निकले हैं जनसंपर्क यात्रा पर पोलिटिकल यात्रा है नीतीश कुमार जी के खिलाफ ही आप करेंगे तो कटुता इतनी बढ़ गई है कि आप फॉर्मर आई ए एस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश काडर के और जब नीतीश कुमार जी आजकल आप पर काफ़ी गुस्साए रहते हैं बोलते हैं कि हमारा स्टाफ था सेक्रेटरी था कौन रखा तो क्यों इतनी कटुता बढ़ गई है और क्या वो एक आई ऑफिसर पूरा सिस्टम पर स्टील फ्रेम जिसे कहा जाता था मैक्स वेबर ने कहा था उस पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं देखिए एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि कटुता मैंने तो कोई बढ़ाई नहीं और मैं अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष भी नहीं रखता हूँ लेकिन देखिए जिस प्रकार की भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं आखिर उनकी पहचान क्या इस देश में थी एक संयमित भाषा बोलने का सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करने का लेकिन किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं तुम तड़ाम पर आए हो तो देखिए पथ से तो भ्रष्ट हुए ही वो भाषा उनकी बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है किस प्रकार का भाषण दिया विधानसभा में दिल्ली में किस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो देखिए वो जो उनका जो एक अंदर का जो एक जो समझिए क्या कहिए कि जो खटता है ना अब वो जवान पर आ जा रही अब हमको टारगेट करने के लिए वो पूरे की पूरे आई पर टारगेट कर दिए बोले क्या था आई अरे साहब आई की जो सेवा है अन्य सारी सेवाएं हैं प्रादेशिक सेवाएं हैं हमारे सभी कर्मचारियों की सेवाएं हैं सबका एक योगदान लोकतंत्र में है जनता का है जनप्रतिनिधियों का सबका है आप उसको टारगेट हमारे चलते कर रहे हैं और बगल में मूर्ति किन की रख रहे हैं सरदार पटेल की सरदार पटेल ने ही ऑल इंडिया सर्विस जिस रूप में आज है उसको फिर से स्थापित किया था और सरदार पटेल को मूर्ति बगल में रखते हैं जी सरदार पटेल को कभी कुर्सी से लगाव था क्या याद करिए जिसमें देश आज़ाद हुआ था मौका मिला था प्रधानमंत्री बनने का उनके कांग्रेस के जितने भी नेता थे राज्यों के उनके पक्ष में प्रस्ताव किया था उन्होंने उसको छोड़ दिया कुर्सी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था कैसे पूरे देश में 560 से ज्यादा रियासतें थी उनको एक किया अब बगल में बैठाए हुए कह गली कि पटेल जाति के थे पटेल एक जाति के नहीं थे पटेल इस राष्ट्र के थे ये हमारा हिंदुस्तान राष्ट्र भारत राष्ट्र कैसे मजबूत हो कैसे एक हो इसकी पहचान सरदार पटेल की थी और जिस सरदार पटेल ने इतनी बड़ी सेवा स्थापित की हमारे माध्यम से उसी को टारगेट कर लिए दूसरी बात जो आपने कहा कि भाई जिस प्रकार की सोच उनकी है और तो हम कहते हैं कि आप स्टाफ थे उनके हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया <laughs> देखिए अब देखिए देखिए यही मैं बता रहा हूँ सोच फिर आइए सोच क्या थे हम जी अब वो क्या है वो जनता जब चुनती है तब एमपी बने प्रधानमंत्री तत्कालीन मंत्री मंत्र ने तय किया तो मंत्री बने व्यवस्था थी नीतीश कुमार एज व्यक्ति कुछ नहीं बन गए उसी प्रकार से मैं जब प्राइवेट सेक्रेटरी बना तो एक व्यवस्था क्योंकि मैं आई में था मुझसे उन्होंने अनुरोध किया मैंने अपनी सहमति दी हमारा कार्डर था यूपी उससे आपने नो ऑब्जेक्शन लिया उसने नो ऑब्जेक्शन दिया फिर ए से ने अपॉइंटमेंट किया जी आप कौन होते हैं और जो बोलते हैं बहुत लोग कि साहब स्टाफ हैं अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्टाफ है <laughs> एक मिनट के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है मुझे नाम से कोई मेरे मन में कुछ है ही नहीं क्योंकि मैंने तो सब चीज़ प्राप्त कर लिया है लेकिन आपकी सोच स्टाफ 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 अगर नहीं रहे आपका काम चलेगा कभी किसी श्रेणी का स्टाफ अगर नहीं रहेगा श्रीमान जी कुछ कर पाइएगा आप लोग लेकिन देखिए इनकी मानसिकता को दर्शाता है इनके मन में किस प्रकार की सोच है कि अपने अलावे सबको समझते हैं कि इनका कोई भी योगदान विकास में समाज के निर्माण में नहीं है जबकि सबका योगदान है तो ये यहाँ तक भी बात कहते हैं कि जो आप पार्टी में जो जगह मिली है आपको जो भी हैं आप उन लोगों के बदौलत हैं ललन जी भी यही कहते हैं नीतीश कुमार जी भी यही कहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष बना दिया आपको अपना पद दे दिया तो क्या आपकी कोई मेरिट नहीं थी उसमें यही तो उनसे पूछना चाहिए देखिए एक चीज मैंने बार बार मैं देखा हूँ कि मैंने अपनी कुर्सी दे दी इनकी कौन सी कुर्सी है जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्सी की कुर्सी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी उस समय मैं भी जनता दलियों में था जनता दलियों के कार्यकर्ताओं का शीर्ष पद था उसका एक चुनाव की प्रक्रिया थी उस चुनाव की प्रक्रिया से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसी चुनाव की प्रक्रिया से मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उसी चुनाव की प्रक्रिया से जिनका आप नाम लिए मैं नाम नहीं लेता हूँ वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए नाम में हम का किसी का नाम लेंगे बार बार आपके अच्छा बारे, में बारे में बोलते हैं, हैं। नाम ही रामचंद्र है जितना बार नाम लेंगे भगवान का नाम लेंगे वो तो देखिए अब ये बताएं अगर मुख्यमंत्री जी कि शरद जी ने अपनी कुर्सी सौंप दी जैसे वो कहते हैं कि मैं मुझे उन्होंने कुर्सी दे दी और मैंने उस व्यक्ति को कुर्सी सौंप दी अरे साहब ये अहंग है अहंग मैं मैं जो बोलते हैं संस्कृत में शब्द अहम उसी से अहंकार बोलता है ये जन जो कार्यकर्ता है जरा कार्यकर्ता से पूछ लीजिए कार्यकर्ताओं से जाके पूछें कार्यकर्ताओं से लोग मिलते हैं इनके पास समय है जाए कार्यकर्ता के बीच में तब तो पता चलेगा दिन भर पटना में मीटिंग करते रहते हैं कितने लोग रहते हैं जिसको मैं भुंजा पार्टी कहता हूँ उसके अलावा कुछ और लोग हैं जरा मिले जा करके पिछले डेढ़ सालों में गए कहीं कार्यकर्ता से भेंट हुई है भुंजा खाते रहते हैं अरे ये हम कह के लिए कहेंगे लेकिन समय काटने का वो एक तरीका है जैसे आप जाते हैं फुटबॉल मैच देखने मैच चल रहा है साथ में चिनिया बादाम का खाते हैं समय भी कटे अच्छा अभी हाल फिलहाल में नीतीश जी दिल्ली गए थे तमाम रीजनल पार्टी के नेताओं से मिले और एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं और क्या आपको लगता है कि ये लोग सारे लोग मिलके ममता बनर्जी ने भी कह दिया उधर से कि नीतीश जी आ गए हैं हमारे साथ केजरीवाल जी भी है, हम लोग धूल चटा देंगे इनको तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी को ये लोग चैलेंज कर पाएंगे 24 में देखिए नीतीश जी के नेतृत्व में देखिए बता देते हैं आपको इनकी साख क्या बची है और न नेता बची है जब दोनों नहीं बची है आप विपक्षी की तरफ से जा रहे हैं जी पिछला देखिए नाइन्टी है ना सत्ता में ही आज दो है चार साल निकाल दीजिए किसके साथ रहे हैं श्रीमान जी कौन सी पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी रही जिसको आप जिस जिसने आपको स्थापित किया केंद्र में मंत्री बनाया राज्य में मुख्यमंत्री बनाया तो विपक्ष वाले नहीं जानते हैं एक बार नहीं दो बार नहीं तीन तीन बार इधर से उधर कर चुके तो आपकी कोई विश्वसनीयता बची है आप कोई साख बची है कोई बुलाया था आपको अपने तो अपने मुँह मिया मिट्ठू बनने वाली बात है कि यार हम आ गए हैं जरा सब लोग एक हो जाइए आपने किसको सम्मान किया है किसी विपक्षी का नाम लें एक नेता को जिसको इन्होंने कर, एक किसी ने किसी समय में अपमानित न किया हो जैसे किस रूप से अपमानित किया अरे साहब इनके उस समय के सबके बयान देख लीजिए जब भी हटते हैं तब तो, आप रेल मंत्री थे ममता बनर्जी से देख लीजिए कितना बढ़िया संबंध था निकलवा लीजिए ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं जी देखिए होता क्या है ना महत्वाकांक्षी सबको होना चाहिए लेकिन आप इतने अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि सबको आप अपने नीचे देखते हैं तो ताकत क्या है मैंने बताया आपको एक विधायक का भी समर्थन है आपको ऐसी एक के आधार पर ना टिकट का बंटवारा होगा बिहार में आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी और नीतीश कुमार से सात जन मेरे को नेता नहीं कोई मानने वाला है नहीं, क्यों मानेगा क्यों नहीं मानेगा क्यों मानेगा जो बता दिया हमको पता बताइए क्यों मानेगा भाई पूछेगा ना इनसे कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा है भरोसा क्यों करेगा इधर से इधर, इधर से इधर इधर से इधर आपकी ताकत क्या होगी ममता मतलब बनर्जी आएगी तो उनका तो एक अच्छा खासा एमपी होगा इनका कागो एमपी होगा दस गो सीट पर लोकसभा चुनाव कागो जीतेगा तो पता चलेगा में तो नॉन प्लेइंग कैप्टन चलेगा काम आजकल क्या okay, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे अरे हम क्या इस पर बोलने कई बार बोल चुके हैं बहुत लोग तो एकदम संकल्प लिए हैं टीक बांध लिए हैं कि एकदम छोड़ेंगे बड़ा अच्छा है भाई क्यों नहीं बन पाएंगे बताया संख्या बल प्रकाश जी शुद्ध संख्या बल आप जरा बिहार में ही जनता दलियों को देख लीजिए मेरी तो मैं तो रहा हूं पार्टी में कितने जिलों में हमारे विधायक बचे हैं ये पूरा शाहबाद का इलाका साफ एक विधायक नहीं है जी मगध का इलाका पूरा साफ पटना जिला पूरा साफ लखीसराय पूरा साफ मुंगेर पूरा साफ शेखपुरा पूरा पूरा साफ जमुई पूरा साफ अच्छा क्या बात कर रहे हैं लालू जी इन पर विश्वास करेंगे नीतीश जी पर जो ये गठबंधन है तो क्या आपको लगता है कि चलेगा बढ़िया सवाल पूछ दिया देखिए एनडीए डी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और तैतालीस विधायक होने के बाद भी बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया क्योंकि चुनाव में ये मुख्यमंत्री के चेहरा थे महागठबंधन का चेहरा कौन था नीतीश कुमार जी नहीं थे तेजस्वी यादव क्या बढ़िया खेल खेला है जी जो महागठबंधन का वोटर होगा उसको कैसा लग रहा होगा अभी रहे क्या चीज़ है राजनीति साहब कि हम तो दिए थे कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा और मुख्यमंत्री कौन बन गया जो एनडीए का था जरा आप समझिए तो आप जरा पूछिए इनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से और इनके जो और लोग बड़े बड़े लोग हैं जो दिन भर क्या कहते थे इन लोगों का यूएसपी क्या था सिर्फ जिनका आप नाम लिए उनको कटघरे में खड़ा करना और आज जा रहे हैं कि बताइए कैसे किया जाए कैसे सब चीज का विकास हो शब्द कितना बढ़िया आया जनता का राज श्रीमान जी आप नहीं अब्राहम लिंकन नहीं कहा था 18वीं सदी में ही कहा था डेमोक्रेसी इज ऑफ गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट समझे ना इसलिए आपका कोई नहीं लेकिन सबसे बड़ी बात है जब उनका परिवार मुख्यमंत्री था तो जंगल राज आपने नहीं कहा था हाईकोर्ट ने कहा था आपने कहा था आतंक का राज और आज जब आप उधर बन गए हैं तो क्या है जनता का राज मतलब आप तो पारस हैं जी कि आपके छूने से लोहा पत्थर सब सोना हो जाता है अगर आप साथ में आप मुख्यमंत्री नहीं हैं तो आतंक का राज और आप मुख्यमंत्री हैं तो जनता का राज का पैमाना हो सकता श्रीमान जी इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको नहीं तो ये बताइए आज आप अपने राजनीतिक यात्रा पर निकल रहे हैं तो क्या अगला पड़ाव आपका क्या होगा बीजेपी में शामिल होंगे आप या अपनी पार्टी बनाएंगे